मैं ऐसे सबको बता रही थी, मेरे को तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, और ऐसे ऐसे क्यों क्यों नहीं था इंटरेस्ट, ऐसे बोल रहे थे फोन पे, तो मैंने कहा ऐसे ही, मैंने सोचा टीचर है क्या ही होगा और ऐसे वैसे। अच्छा हाँ, तो अभी भी अपन तोड़ सकते हैं जैसे, अगर मुझे नहीं लगे, फिर बाद में बता रहे थे मैंने भाव खाने के लिए ऐसे बोला था तुम्हें। हाँ तो अभी भी अगर मुझे लगेगा कि तुमसे मेरी नहीं बनती है, मतलब तुम मेरे लायक नहीं हो, तो मैं भी मना कर सकता हूँ। तुम्हें अगर लग जाए मैं तुम्हारे लायक नहीं, तो तुम भी मना कर सकते हो। अभी तो बातचीत तो हो रही है, शादी थोड़ी हो रही है। अच्छा ठीक है, चेन रिएक्शन सर, तोड़ने की चेन रिएक्शन। लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं, फिर घर बस गया सर का। पर वो मैंने बता दो, तारों की छाँव में। हाँ, और एक और एक सर ने कहानी सुनाई थी, मेरे कॉलेज में ना एक टीचर थे जो टीचर का नाम नहीं बताओ, नाम मतलब क्या बोला, एक्स 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 नहीं। आप उनका क्रश थी सर, मतलब मैम आप उनका क्रश थी। हाँ, मतलब उन्होंने किसी के थ्रू मेरे को अपना रिश्ता भिजवाया था। जोर से जोर से। मैम आपके जीवन में टीचर ही लिखे थे वैसे तो। वो शादी शुदा था? नहीं नहीं, शादी बाद में। अच्छा, बीच में आप आ गए। तो शादी के लिए बोलते थे सर, किसी और के थ्रू मैसेज भिजवाते रहते थे, किसी ना किसी क्लासमेट के थ्रू या वैसे। फिर उनको लगा मेरे से तो नहीं करेगी, फिर उन्होंने एक और मैसेज भिजवाया, मेरा छोटा भाई है वो आर्मी में ऑफिसर है या पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, उससे कर ले। मैं चाहती हूँ बस ये लड़की मेरे खानदान में आ जाए, ऐसे करते। तो हमने क्या किया था, एक बार पार्किंग में उन सर की है ना, बहुत गुस्सा आता था मेरे को, हमेशा दिख जाता था सामने, हमेशा दिख जाता था, कहीं भी चले जाओ सामने से टकराते ना ऐसे अचानक से, वैसे हमेशा टकरा जाता था या चला के आता था पता नहीं। यार क्या है, कुछ कर भी नहीं सकते, टीचर है। तो पार्किंग में उसकी बाइक की हमने सीट काट दी, पहले प्लेट से सीट काट दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं सर को बता रही थी ये बात, बता दिया ना, मतलब सगाई उसके बाद बातें करते हैं तो ये बात बताई, तो सर उसी टाइम बोला था नहीं नहीं नहीं, 10-15 दिन बाद बोला, पता है तुमको मैं हूँ कौन, वो जो है ना ये नाम लिया उनका, वो जो एक्स वाई जेड जिसकी तुमने सीट फाड़ी थी, भाई है उसका। मैं तो एकदम ऐसे हो गई, एकदम बचाई, मैंने फोन रख दिया, मैंने सोचने लगी शिट शिट, और ऐसे मतलब माहौल बना के एकदम बताया मेरे को, पता है तुमको मैं कौन हूँ, मैं इतने साल यहाँ था वहाँ था, ऐसे था वैसे था, वो था ना जो उस कॉलेज में जो तुम्हें परेशान कर रहा था, नहीं नहीं जिसने तुम्हें रिश्ता भेजा था, परेशान तो किया ही था तुम्हें, ऐसे माहौल बनाया पूरा पहले। तो मैंने कहा हाँ तो आगे बोलो आगे बोलो आगे, भाई हूँ उसका मैं। और मैं डर गई, खतरनाक डर गई, ऐसे हालत खराब हो गई, मैंने ऐसे सोचने लगी मम्मी को क्या बोलूंगी, पापा को क्या बोलूंगी, अब शादी तो होगी नहीं, ऐसे सोच लिया था, आगे तक का सोचने लगी थी सब क्या सोचेंगे, बुआ जी फूफा जी भी आए थे फंक्शन में, वो तो ताने मारेंगे सारा। फिर सर का फिर आपका वापस फोन आने लगा, मैं काटती रही काटती रही, सोचती रही फोन क्या बोलूँ क्या करूँ, इससे बात करूँ याद आ करूँ, तो उसका भाई निकल गया। फिर सर का आया वापस, अरे मजाक कर रहा था मैं, एक बार के लिए तो नहीं हो, कोई चाल तो नहीं है, इसको कहते हैं असली एक्टिंग। फिर जब मम्मी पापा और बात करते रहते थे ना, तो ये लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे सब कुछ अच्छा, तो तब भी ऐसा डर लगता था, जब तक शादी नहीं थी तब तक डर डर के ही की थी, यही सोच के कि कोई इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, सभी बोलते हैं कि भी बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन कोई नहीं रखता। ऐसे ऐसे करके फिर मम्मी ऐसे बोलती थी हर बात, देखा मैंने तो बोला ही था ही रहा है, देखा मैंने तो बोला ही था। मम्मी नंबर बनाती है। तो मैं ऐसे बोलती थी शादी से पहले तो सभी हीरे लगते हैं, बाद में पता चलेगा मम्मी इतने स्वीट बन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, इतना अच्छा तो कोई कैसे होगा, इनको दहेज भी दीजिए, 5 लाख है 5 लाख है तो बोल दिया, 2 लाख 3 लाख में कर दो आप, तो और कुछ चाहिए, कुछ चाहिए भी नहीं। फिर सर की आई डिमांड की है ना, मेरे को बस वो चाहिए, वो घूमने वाला स्टेज, तब नया नया चला चाहे मैं पैसे दे दूंगा उसके अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन वो घूमने वाला स्टेज होना चाहिए और एक डांस फ्लोर होना चाहिए बस। तो मैंने आ गई ना डिमांड, बोला ही था आ गई डिमांड। तो फिर मम्मी बोलती है कि तो पैसे उन्होंने बोला चाहे मैं दे दूंगा, ये भी बोला है सर, बोला ही था ठीक है।
मैडम उस टाइम आपके नेगेटिव ही वो देखती थी? नहीं मैम नहीं देखती थी। तो पापा फिर जब हाँ दस्तूर हुआ ना, जब मेन जो सगाई होती है टीका लेके जाते हैं ना अगर किसी को पसंद तो उसमें लड़की नहीं जाती हमारे, तो पापा और सब। अरे सविता तुम पीछे क्यों बैठ गई? चलन हो रही है सर। तुम बताओ उनको दुख हो रहा है। तुम आगे आओ रही दोनों ही। आज पीछे बैठ, इधर आगे बैठ जाओ। पुनीत पारिक पत्रकार, ये लो। क्या चल रहा है तुम दोनों बीच में? भाई शादी शुदा है वो। तो जब बड़ा फंक्शन था बहुत सारे लोग थे, गांव में था सुजानगढ़ में, वहां पर पापा ने सोचा कि ऐसे तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे, जबरदस्ती भी नहीं ले रहे, मतलब पापा ने ऐसे बोला था कि मैं बैड वगैरह और सब पहुंचा दूंगा आपके घर पे, आप नहीं लोगे तो भी। तो इन्होंने ऐसे बोला कि रद्दी में जाएगा सारा, हमारे घर के अंदर तो एक भी नहीं आएगा, बाहर ही पड़ा रहेगा, दीमक लग जाएगी और वो खराब हो जाएगा। पापा ने सोचा ले ही नहीं रहे, तो सबके सामने पापा वो कैश रखते हैं ना वो ले गए, सोचा कि सबके सामने तो क्या ही बोलेंगे, सब बाकी सब चीजों के लिए तो मना कर दिया, कैश तो ले ही लेंगे, तो कैश ले गए। तो सर बैठे थे चौकी पे, सर खड़े हो गए, अगर ये दोगे तो फिर शादी नहीं हो सकती। मुझे बस प्राउड ऑफ यू सर। खुश हुए थे पहली बार, तब पापा के आंसू आ गए थे, तब पापा घर पे आ गए।